बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हमने बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ लैरिंग्स को स्टार्ट करना है और ये हमारे टीचर की स्लाइड है, तो स्टार्ट करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर वीडियोस भी होनी है, तो वीडियोस को भी देख लेते हैं। सर, कैन यू डिफाइन फोटोसिंथेसिस? ये नहीं आता है तेरे को? ये नहीं आता है? सुन, Photosynthesis is the process in which four plants go to picnic. When they go to picnic, one plant catching photo of the other three plant and sending photo on WhatsApp. So WhatsApp पे photo गया, photo का chat खोला, photo seen. So it is photo seen. उसके बाद photo इधर है, तो इधर है photo क्या? This is. So photo seen, this is photosynthesis. Okay, तो ये video देख लेती photosynthesis के concept की। तो बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ लैरिंग्स को स्टार्ट करते हैं। तो बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ लैरिंग्स को दो में डिवाइड करते हैं, नॉन नियोप्लास्टिक और नियोप्लास्टिक। तो जो नॉन नियोप्लास्टिक होता है उसको मुझे दो में डिवाइड करते हैं, सॉलिड और सिस्टिक। सॉलिड के अंदर वोकल नोड्यूल, वोकल पॉलिप, रेनकियोडीमा, कॉन्टैक्ट अल्सर, इंट्यूबेशन, ग्रैनुलोमा, जबकि सिस्टिक के अंदर डक्टल, सेक्युलर, लैरिंजोसील। जो वोकल नोड्यूल होगा उसकी हिस्ट्री के अंदर आपको टीचिंग का मिलेगा, बार बार बोलना, ज़्यादा बोलना, वोकल एब्यूज़। पोलिप के अंदर शाउटिंग की हिस्ट्री होगी। रेनकियोडीमा के अंदर बायलैटरल डिफ्यूज सिमेट्रिकल एडीमा होगा। कॉन्टैक्ट अल्सर आपको पोस्टीरियर कॉमिशन में देखने को मिलेगा, ओके। और इंट्यूबेशन ग्रैनुलोमा के अंदर आपको हिस्ट्री मिलेगी, किस चीज़ की? ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की या ईटीटी की। जबकि लैरिंजोसील के अंदर ट्रम्पट या जो ग्लास ब्लोवर होते हैं उनकी हिस्ट्री मिलेगी। नियोप्लास्टिक के अंदर स्क्वेमस पैपिलोमा, जिसको जुविनाइल अडल्ट ऑनसेट कहते हैं, कॉन्ट्रोमा, हेमेंजियोमा, ग्रैनुलर, ग्लैंडुलर, रेब्डोमायोमा, लाइपोमा, फाइब्रोमा आता है। तो सिनेरियो को स्टार्ट करते हैं। जब भी मसला लैरिंग्स का होगा तो हमेशा आवाज़ ख़राब हो जाएगी, दिस इज़ कॉल्ड हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ओके। तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, पेन इन थ्रॉट है, प्रोलॉन्ग फोनेशन यानी टीचिंग वगैरह है, ओके। तो फोनेशन है तो उसकी वजह से वोकल कॉर्ड की स्वेलिंग होगी है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा हमारा? यही होगा, वोकल नोड्यूल होगा। वोकल नोड्यूल को सिंगर नोड्यूल या स्क्रीमर नोड्यूल कहते हैं, फ्री एज ऑफ वोकल कॉर्ड के ऊपर होते हैं, एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ वोकल कॉर्ड, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे मैक्सिमम वाइब्रेशन होती है, मैक्सिमम ट्रॉमा होने के चांसेस होते हैं, ओके। तो ये वोकल ट्रॉमा की वजह से होता है, टीचर्स, एक्टर्स, सिंगर्स के अंदर देखने को मिलता है, और आप इस डायग्राम में देख सकते हो। एक और वीडियो आ गई है। ओके, इसकी इटियालॉजी की तरफ चलते हैं, पैथोलॉजी और इटियालॉजी वगैरह। तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड को ट्रॉमा होता है, लाइक वोकल अब्यूज़ या मिसयूज़, जिसकी वजह से एडीमा और हेमरेज होता है, हाइलिनाइजेशन और फाइब्रोसिस भी हो सकती है। क्लिनिकल फीचर के अंदर हॉर्सनेस, वोकल फटीक और पेन इन नेक होता है। नोड्यूल सॉफ्ट रेडिश वाइट इन कलर होते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर रेस्ट करवाएंगे, सर्जरी लॉन्गर नोड्यूल के लिए, MLS करते हैं, माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी, और लास्ट में स्पीच थेरापी और एजुकेशन है। इसके बाद शाउटिंग की हिस्ट्री है, तो शाउटिंग की हिस्ट्री के अंदर अगर स्वेलिंग आती है तो वो वोकल पॉलिप होता है, ओके। वोकल अब्यूज़ या मिसयूज़ की वजह से होता है, एलर्जी स्मोकिंग की वजह से भी हो सकता है। शाउटिंग की हिस्ट्री मिलती है, फोनेशन और रिस्पायरेशन के अंदर वो अप एंड डाउन मूव करता होता है, ओके। क्लिनिकल फीचर के अंदर हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, कॉमन सिम्टम है। जो लार्जर पॉलिप्स होते हैं, डिस्निया, स्ट्राइडर, इंटरमिटेंट चॉकिंग करवा देते हैं। कुछ पेशेंट के अंदर डिप्लोफोनिया भी होता है ड्यू टू डिफरेंट वाइब्रेटरी फ्रीक्वेंसी। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल एक्सीजन होता है। हाय, इन दिस वीडियो क्लिप आई विल शो यू द प्रोसीजर ऑफ सिंपल एक्सीजन ऑफ अ वोकल कॉर्ड पॉलिप। दिस इज अ पेशेंट हु हैज अ लार्ज पेडंकुलेटेड मास arising from the right vocal cord. This patient is being taken up for surgery under general anesthesia.
the microlaryngeal scope is placed with the scope holder, and with the endoscopic view, the procedure is being done. The polyp is grasped with a suitable forceps, and using cold steel, the polyp is excised. It takes less than 1 minute for the procedure. After the excision, any small remnant is skimmed using the laryngeal skimmer blade made by the Medtronic or the Zomed company. This is how the vocal cord looks at the end of the procedure, a complete excision. Thank you. Okay, iske baad next scenario hai. Bilateral diffuse symmetrical swelling hai, to Renke edema hota hai. Okay, Renke space ke andar fluid ki accumulation hoti hai. और इसमें एक वोकल कॉर्ड को एट अ टाइम ऑपरेट करते हैं, स्मोकिंग को ख़त्म करना है अपने। इसके बाद नेक्स्ट है, ओके, तो नेक्स्ट है अगर सिंगर है, सिंगर बाय प्रोफेशन है, ईएनटी में आया है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, कंटिन्यूस डिज़ायर होती है ऑफ क्लियरिंग द थ्रॉट, और अल्सरेटिव लेयंस है, तो क्या होगा, कॉन्टैक्ट अल्सर होगा, फॉल्टी वॉइस प्रोडक्शन की वजह से होता है, पोस्टीरियर कमीशन में देखने को मिलता है। ओके, ठीक हो गया। यहाँ पे ग्रैनुलोमा भी देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद अगर हिस्ट्री है वेंटिलेशन ट्यूब की, तो वो होता है इंट्यूबेशन ग्रैनुलोमा। ओके, अगर हिस्ट्री ग्लास ब्लोवर या जो ट्रम्पेट वगैरह होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें लारेंजोसील होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लेकिया केराटोसिस के अंदर डिफरेंट हिस्ट्री होती है, वाइट प्लेक की लेयन होती है, ठीक हो गया। लारेंजोसील तीन टाइप की होती है, इंटरनल, एक्सटर्नल और मिक्सड लारेंजोसील। फिर इसके बाद न्यूप्लास्टिक लेयंस है, उसको आप पढ़ लेना।